मैं समीर समाज खबर हिंदी टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम अम्बुजवाड़े में हैं। कई लोगों की शिकायत है कि उनके घरों में राशन नहीं है, भूखे रहना पड़ता है। जब हमने उनसे कहा कि सरकार की तरफ से आप लोगों को खाना नहीं मिलता है, तो उन लोगों ने रोकर अपने हाल बताए। उन्होंने कहा कि खिचड़ी आती है, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। इफ्तारी के लिए भी कभी कभी फ्रूट आता है, जिसमें दो केला रहता है, दो खजूर रहता है, एक फ्रूटी रहती और एक 2 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट रहता है। लेकिन फ्रूट वो आता है कि जानवर भी ना खाए, लेकिन हमको रोज़ा खोलने के लिए दिया जाता है। हमने पूछा, आपके यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, आपने क्या कभी उनसे बात की? तो कई लोगों को पता ही नहीं उनका प्रतिनिधि कौन है और कहाँ मिलेगा, उनका नाम क्या है। अगर वो बाहर निकलते हैं अपने भूखे बच्चों के लिए कुछ लाने के लिए, तो पुलिस जाने नहीं देती, पुलिस डंडे मारती है। हमने पूछा, आप लोगों के पास आपके नगर सेवक, MLA, MP, पुलिस, BMC इन लोगों के नंबर हैं? तो किसी के पास नहीं था। अगर को मालूम था तो सिर्फ पुलिस का नंबर 100। ये तो हुई अम्बुजवाड़ी की बात, लेकिन ये बात सच है कि 90% लोगों को अपने एरिया के नगर सेवक, MLA, MP का नाम ही नहीं मालूम। तो उसकी ऑफिस या मोबाइल नंबर क्या मालूम रहेगा? क्या ये लोग ये जानते हैं कि नगर सेवक, MLA, MP इनके लिए क्या काम करते हैं? ये लोग इनके और इनके परिवार वालों के लिए रोड, गटर, गार्डन, रोजगार के लिए अच्छी अच्छी योजना बनाते हैं? जाने दीजिए, इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम मालवनी की बात करते हैं। नगर सेवक हैं और ये इनके नंबर हैं। ये लोग हमेशा ही चाहते हैं कि हमारी जनता खुश रहे। वार्ड नंबर 34 कमरजहां, 9594326006। वार्ड नंबर 48 सलमा अलमेलकर, 9870405782। वार्ड नंबर 49 संगीता सुतार, 9820125792। MLA असलम शेख, 9892915557। MP गोपाल शेट्टी, 9869011267। BMC नंबर 0222882429। अगर आपको खाना चाहिए तो आप BMC में कॉल कर सकते हैं। महेंद्र CDO, 9892998388। अगर आपको इमरजेंसी में मेडिकल सुविधा के लिए एम्बुलेंस चाहिए तो भी आप कॉल कर सकते हैं। एम्बुलेंस नंबर 9821555570, शॉर्ट नंबर 108। पुलिस का नंबर 100, ज़्यादातर लोगों को मालूम ही रहता है, फिर भी मालवनी पुलिस स्टेशन का नंबर 0222882139। इन जगहों से आपके समस्या का 90% समाधान हो जाएगा। कोरोना जैसी महामारी देश में है, इसकी वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए आप लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें। हमारी टीम की आप लोगों से यही निवेदन है, गुजारिश है, विनती है कि आप हमेशा लॉकडाउन का पालन करें। इससे ज़्यादा अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये भी डैमेज खेला है, एक भी इसमें अच्छा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे इसके बारे में? चाचा, आपका ये कोरोना में आपका मदद कर रही सरकार या आपको बीमार कर रही है? और बीमार कर रही है, इससे जो है ना, ये सब खाने से बीमार हो रहा है आदमी, इससे खांसी आती है ज्यादातर, और ये खाने के लायक नहीं है। फिर भी अब क्या करे, गरीब आदमी वो हिसाब से ले लेते, देखते फिर फेंक देते हैं कि खाने लायक होगा, मगर खाने लायक तो है नहीं। आपने कभी इसकी शिकायत की आपके नजदीकी में BMC में जाकर या आपके नगर सेवक को कभी शिकायत की आपने? नहीं, यहाँ कोई सुनने के लायक ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं हमारी, तो क्या सुनाए और किसको बोले। अभी वही तो हम बोल रहे हैं, और नगर सेवक के पास आप कभी गए थे कंप्लेंट लेके? नहीं, कोई नगर सेवक यहाँ आता नहीं, हमको उनका जगह नहीं मालूम, तो कैसे जाएंगे? हम गरीब आदमी अपने घर पे रहते हैं। आप लोगों ने दिया तो क्या सोच कर दिया था आप लोगों ने? अरे हम तो सोचे थे कि हमारे लिए वक्त पे अच्छा काम करेंगे, मगर वो देखने ही नहीं आ रहे, यहाँ कभी आते ही नहीं है। एक मिनट, अभी आपने बोला आप उनको नहीं जानते, उनकी जगह आप नहीं जानते, आपने वोट कैसे दिया, किसको देख के दिया? जब वो आते थे यहाँ वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ के सबके सामने आते थे, गली गली घूमते थे, मगर अब हम लोग थोड़ी उनके घर पे गए कभी आंदोलन लेके या कभी वो लेके कि जानेंगे। अभी ये जो खराब है तो आप इसकी शिकायत किसको करोगे? आप इसको मतलब फेंक दोगे? आप सेटिस्फाइड खुद से क्या करेंगे? फेंकेंगे ही और क्या करेंगे? अब वहाँ जाके अब हम लोग दिन भर रोजा रहते, थक जाते, वहाँ जाएंगे कहाँ, हम ढूंढेंगे उनको कि कहाँ है वो, कौन है, किधर से आए, खाली नाम मालूम रहता है कि हाँ ये नाम है, कभी आते नहीं, खाली वोट लेने का जब टाइम आ गया तो आ जाते हैं। अगर आपको बताया जाए वो कहाँ मिलेंगे आपको या उनका क्या मोबाइल, आप उनको शिकायत कर पाओगे? हाँ, उनके हाँ जाके शिकायत करेंगे उनके पास, हम करेंगे,
कि ना राशन मिल रहा है टाइम पे, ना आफ्तारी मिल रही, कुछ नहीं। अगर दे भी रहे तो सड़ा गला दे रहे हैं। आपके एरिया में आपके सामने है, देख लीजिए आप। आपके एरिया में ऐसा कोई नहीं जिसको ये नहीं किसी को मालूम है कि आपके यहाँ का नगर सेवक कौन है, उसके ऑफिस कहाँ पे? नहीं, अगर कोई आए बोले चलो हम तुमको लेके चलते, हम अभी चलने के लिए तैयार है। जब हमको मालूम नहीं रहेगा तो आपके एरिया में ऐसा कोई समझदार नहीं है? नहीं, अभी कोई आके हमको बोले कि हाँ भाई अगर आपको ऐसा सड़ा गला मिल रहा तो चलिए शिकायत करिए उसके लिए। तो हम चले, ये क्या, ये गली में बाजू में ही हूँ। सोसाइटी है? हाँ। सोसाइटी का चेयरमैन कोई है इधर पे? ये अपना क्या नाम है, पंडित जी है, उनको मालूम है? संगीता सुधार, अब उनको तो मालूम ही होगा। उनसे बात की कभी, शिकायत की क्या? नहीं, हमको लेके चलो। नहीं, हमने शिकायत तो नहीं किया है, जो बात सही है। मगर जो है ना, इस तरीके से दे रहे, जो अफ्तारी देने के लायक है उनको खुद समझना चाहिए ना। गुलाम सरवर मुख्तार मलिक। गुलाम सरवर मुख्तार मलिक, हाँ। आप कहाँ रहते हैं? अम्बुजवाड़ी में। सोसाइटी आपका यहीं? सोसाइटी हमारा रोड पर अंबेडकर चौक है। अंबेडकर चौक। सोसाइटी का नंबर? सोसाइटी नंबर जय बजरंग सोसाइटी है। बजरंग? जय बजरंग सोसाइटी। जय बजरंग सोसाइटी, हाँ। कब से रहते हैं आप यहाँ पे? यहाँ रहते हैं और 20 साल के ऊपर हो गए। 20 साल के ऊपर, हाँ। आपको ये जो दिया गया है ये इफ्तारी है? ये इफ्तारी दिया गया, वो भी 9 बजे 8 बजे 8:30 के बाद दिया गया है। 8:30 के बाद इफ्तारी दिया गया, जबकि 7:05-7:10 के इफ्तारी का समय है और दिया जा रहा है रात को। रात को हम लोग शहरी कर ले दिया कि अफ्तारी कर ले दिया गया है। ये तो आपको आपके नगर से, हाँ। या जो भी जिम्मेदार है उनसे पूछना, हाँ। पड़ेगा। और दूसरे में लॉकडाउन में जब हम लोग मान लो घर से मजबूर है, घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हमारे जो प्रशासन, जो हमारे आमदार, जो खासदार या नगर सेवक जो भी है, उनकी जिम्मेदारी क्या बनता है? क्या करके हम घर घर आकर के इंक्वायरी करेंगे? समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें, 7666-47111। धन्यवाद।